एनटीपीसी लावा प्रभावित युवाओं को अनूठा प्रदर्शन, शौचालय साफ कर जताया विरोध, मांग पूरी नहीं होने तक प्रदर्शन जारी रखने की बात कही। रायगढ़ जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर पुसौर तहसील अंतर्गत ग्राम लारा में स्थित एनटीपीसी लारा उद्योग के सामने मुख्य गेट पर बीते 15 दिनों से जारी विरोध प्रदर्शन में आज एक नया मोड़ आया। पूर्व निर्धारित तरीके से आंदोलन में लगे प्रभावितों ने आज 16 अप्रैल तक 2022 के दिन तक उनके विषय में एनटीपीसी प्रबंधन द्वारा कुछ निर्णय नहीं लिए जाने पर विरोध स्वरूप उद्योग के मुख्य द्वार पर प्रतीक रूप में शौचालय बनाकर साफ करते गए गांधीवादी ढंग से विरोध प्रदर्शन किया। जहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि एनटीपीसी द्वारा प्रभावित परिवारों के युवा अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्षरत हैं। प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन के स्पष्ट निर्देश के बावजूद एनटीपीसी लारा प्रबंधन प्रभावित युवाओं को रोजगार नहीं दे रहा है। इस बात को लेकर प्रभावितों और प्रबंधन के बीच बीते एक पखवाड़े से हिंसा जारी है। मेन गेट से होते हुए मैत्री नगर गए थे, टाउनशिप के अंदर जा रहे थे पैखाना साफ करने के लिए, लेकिन हम लोग को मैत्री नगर गेट में ही रोक लिया गया। इसलिए हम लोग वहीं मैत्री नगर गेट में ही पैखाना साफ किए। आप लोग का आंदोलन कितने दिन हो गया? हम लोग का आंदोलन आज 260 दिन हो गया। 2 अगस्त 2021 से आमरण अनशन भूख हड़ताल चलते आ रहा है, आज 260 दिन पूरे हुए हैं। इस बीच में प्रशासन या फिर एनटीपीसी की तरफ से कोई इस बीच मिला में है? हम लोग का 6 तारीख को आर्थिक नाकेबंदी किया गया था, उसके बाद 11 तारीख को भी हमने आर्थिक नाकेबंदी किए थे। इससे हम लोग को ये आश्वासन मिला है कि ये आगे मीटिंग करेंगे और उसमें कुछ रास्ता निकालेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। रायगढ़ से राहुल अधिकारी की रिपोर्ट।